सच्ची में जैन शिकंजी है भाई। क्या बात कर रहा है? जैन शिकंजी मोदी नगर वाले, मोदी नगर वाले। एक तो 1 करोड़ की डील चाहिए। मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सीरियस? 100%। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अनुभव जैन, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मोदी नगर से आया हूँ। जैन शिकंजी का नाम हमें हमारे ग्रैंडफादर से मिला। 1957 में इसकी छोटी सी शुरुआत हुई, पनवाड़ी की शॉप थी हमारे बाबा जी की, लेकिन आज नॉर्थ इंडिया में इसको काफी फेमस माना जाता है। और शार्क्स, हम इतने फेमस हैं कि आज हमारा नाम और जगह भी यूज हो रहा है, लेकिन असली जैन शिकंजी हम हैं। पहले तो मोदी नगर मेन शहर में था, हाँ। फिर बाईपास में भी डाला, मैकडॉनल्ड्स के बाहर लेके। हमारी शुरुआत मोदी नगर से हुई, जहाँ पे हम आज भी 64 ईयर्स से पहले से एक काउंटर रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम कस्टमर्स को शिकंजी के साथ शिकंजी का मसाला भी और भी हमारे प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो भी देते हैं। शिकंजी हमारी इतनी फेमस हुई क्यों? मतलब इसके अंदर ऐसा क्या डला कि मतलब नींबू पानी और जगह मिलता है, जो इसके अंदर मेन आइटम है वो है हमारा शिकंजी का मसाला, जो इसको बनाता है सभी से अलग, क्योंकि इसमें है काली मिर्च, लौंग, अनारदाना और भी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे। ये तो गड़बड़ हो गया। I was looking forward to more ingredients. ये हमारी मोनोपोली है पूरे इंडिया में। ऐसे थोड़ी बना लिया। पैन इंडिया के लिए amazon.in पर अवेलेबल है। इन सभी जगह से हमने अब तक करोड़ों लोगों को शिकंजी पिलाई है। wow. हमने शिकंजी का प्रीमिक्स बनाया, जिसको हमने नाम दिया इंस्टेंट जैन शिकंजी, जिसकी आज मार्केट बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हमने और भी प्रोडक्ट्स बनाए, चाट मसाला बनाया और हमने चाय मसाला बनाया, ठंडाई पाउडर बनाया, हमने अचार बनाए, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। अभी हमारा क्या विजन है कि हम कियोस्क सेंटर में अब एंट्री करिए, हम इसको पैन इंडिया लेवल पे लेके जाए, क्योंकि शिकंजी का सिर्फ अभी तक मसाला ही लोगों ने टेस्ट कराया, एक्चुअल शिकंजी बॉम्बे, गुजरात, बैंगलोर ये पर शिकंजी नहीं ट्राई करी है। तो हम अपनी कंपनी में से आपको 8% का स्टेक देना चाहते हैं। With 40 लाख रुपीस आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। सो शार्क, आप हमारे फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? तो वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। मेरे को लगा कि आपका बिजनेस तो इससे बहुत बड़ा होगा। हाँ हाँ। बट आप जो बात कर रहे हैं 8% स्टेक की, हाँ हाँ। आप एक सेपरेट कंपनी डाल रहे हैं? हाँ, या पेरेंट कंपनी में ही स्टेक दे रहे हैं? ये हमने अभी 2017 से एक सेपरेट कंपनी निकाली है, HBMB फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। HBMB का मतलब है हनी भाई मनी भाई। मैं मनी भाई, मेरा बड़ा भाई हनी भाई, तो सच में शॉर्ट कर दिया। जस्ट टू बी क्लियर, आपकी पेरेंट कंपनी क्या करती है फिर और HBMB क्या? एक्चुअली क्या है कि हमारे बाबा जी के 5 बेटे थे। इंडिया में कल्चर है कि जब तक हमारे पिताजी होते हैं ना, तो वो अपने सामने ही ना सब अपने बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे जाते हैं। सही बात है। तो उन्होंने क्या करा कि पापा को क्या करा, प्रोडक्शन का काम दे दिया कि शिकंजी मसाला बनाएगा तो पवन जैन ही बनाएगा। अच्छा। बाकी सब अपने अपने रेस्टोरेंट्स पे जा सकते हैं। अभी हमने लाइव कियोस्क वगैरह शुरू करा, तो हमारे जो ताऊ जी हैं उनको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे हैं। हम बहुत छोटे से, हम 10x10 के काउंटर, 8x8 के काउंटर्स में जाके मेन मतलब इसको हम कर सकते हैं। तो मनी भाई, आपका जो पेरेंट बिजनेस है जी, उसका क्या रेवेन्यू है? सर अभी हम HBMB का ही मैं बता सकता हूँ सर, इसका हमारा अभी जो लास्ट ईयर हुआ है वो 25 लाख रुपये का हुआ है सिर्फ, क्योंकि कोविड की वजह से सारा लॉकडाउन। और हमारा क्या है कि मेनली टूरिस्ट से डिपेंड काम है, क्योंकि हाईवे पे कस टूरिस्ट निकलेगा, हरिद्वार टूरिस्ट निकलेगा तो ही वो शिकंजी पिएगा, तो इस वजह से वो रूट सारा बंद। इस वजह से मेरा को इस साल जो 50 लाख या 60 लाख टच करना था, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि इस बार फिर लॉकडाउन था। अनुभव जी, मैं बताता हूँ, हम ना बड़े हुए जैन शिकंजी पी के। थैंक यू। पता है दिल्ली से मेरठ जाते थे तो रास्ते में आता है जैन शिकंजी। जी जी। अब पता है मैं जाता हूँ ना, मेरे कजन्स वहीं रहते हैं, पता है जैन शिकंजी दिल्ली से ही शुरू हो जाता है मेरठ। कम से कम 800 लोग अपने आप को जैन शिकंजी कहते हैं। जी जी। तो मुझे अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ वहां जाके कि कौन असली है। जी, कोई भी नहीं जानता कौन असली है, स्पेशली सब अपने नाम के आगे लगाए थे ओरिजिनल। क्या आप ओरिजिनल हो? जी, आप हम ओरिजिनल वाले हो? नहीं, हम ओरिजिनल हैं। कैसे पता? क्योंकि हमारे पे HBMB है, क्योंकि हमारे HBMB तो किसी का नाम ही नहीं है। सभी प्रोडक्ट्स पे HBMB है। सभी प्रोडक्ट्स पे HBMB है। जैन शिकंजी का मसाला मैं भी लेती हूँ। थैंक यू। पर मैं यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं ओरिजिनल खरीद रही हूँ कि मैं डुप्लीकेटेड खरीद रही हूँ। थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि शायद वो आपका नहीं खरीद रही। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या खरीद रही हूँ। जैन शिकंजी का नाम ना छोटा ठेली वाला भी लिखता है। नोएडा में काफी ठेली वाले हैं, मोदी नगर वालों की फेमस शिकंजी, लेकिन हमें उनसे कोई इशू नहीं है। हमारी वजह से थोड़ा सा उनका काम चल रहा है, हम खुश हैं,
लेकिन आज जो रेस्टोरेंट्स पे नाम लिखते हैं उनको हम तुरंत हटवाते हैं, हम उनको राइट्स नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सारा रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, तो धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही हैं। आप एक काम करो ना, पिला के शिकंजी सारे बिल्कुल दूर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, अनुपम सर्व करेंगे। अनुपम देखो थोड़ा अच्छा पानी वानी ठीक से डाल। अनुपम हाँ, नहीं सर, सोडा डालेगा पानी में काम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मनी भाई आप यहाँ आ जाओ, वो बना लेंगे। अरे नहीं सर, 5 6 7 इसमें थोड़ा सा शेप है। चलो एक काम तो कर दिया आपने, शिकंजी वाला बना दियो। अरे बहुत स्लो है ये, जरा जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए भाई यार, ये तो बड़ी गर्व की बात है आपके। चलिए भाई साहब, इसमें क्या-क्या डाला है? आप जो मन से मान लो वही है। शाक इज सर्विंग। थैंक यू सो मच। आउट ऑफ रिस्पेक्ट। अनुपम, रियली अप्रिशिएट यू डूइंग दिस। सीरियसली, या सो स्वीट ऑफ यू। माय गॉड, आपका हुक्म सर आंखों पर है। इट्स आउटस्टैंडिंग। अभी आप कर लीजिए। मनी भाई, ये तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू। सुपर डिलीशियस। मनी भाई बहुत वेरी वेरी टेस्टी। दिन याद दिला दिए मेरठ के। आपका प्रीमिक्स का पैकेज देख सकता हूँ मैं? हाँ हाँ। आपने हनी प्रोडक्ट, वही हनी भाई, मनी भाई का हनी लिखा है। तो ये नई कंपनी में अभी आपकी पूरी ओनरशिप है, इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है? सर, फादर का 50%, मैं और मेरा भाई 25-25%। मनी भाई, ये सीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, गर्मियों में ज्यादा बिकता जी, है जी। तो सर्दियों में या उन महीनों में बिजनेस कहाँ से आता है? कियोस्क ही मेरे पास एक इसका ऑप्शन आया कि मैं इसको महाराष्ट्र और गुजरात जहाँ पे 12 महीने गर्मी रहती है, साउथ हमारे पास 12 महीने गर्मी रहती है, तो मैं वहाँ जाके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। कियोस्क बनाना ही क्यों है ना, why get in? उसके अंदर ये ओरिजिनलिटी के इश्यूज भी है। ये क्यों नहीं स्केल कर रहे आप? इसको क्यों नहीं स्केल? कौन है इसमें? कोई बड़ा प्लेयर है इसमें? नहीं सर, देश में नहीं सर। और आपका ब्रांड भी बना हुआ है, आपका खाली पैकेजिंग ठीक करना है, मार्केटिंग करना है, इसको स्केल कर सकते हो। आपको सब कुछ बंद कर देना चाहिए, खाली यही बेचना चाहिए। अनुभव, आप जो भी बात सुन रहे हैं, आप हाँ भी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ये भी जानते हैं कि इसको स्केल किया जा सकता है, ये प्रोडक्ट में दम है, लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है और वो बात आप साफ नहीं बता रहे। क्या बात है? फैमिली फ्यूड वगैरह तो नहीं है इसके चक्कर में? कोई नहीं, फैमिली में लड़ाइयां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पस्ताऊ जी के साथ केस? नहीं, किसी भी तरह का नहीं है सर। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह में पापा को लॉस हुआ, मतलब किसी की प्रॉपर्टी किसी को बेच दी और फिर पापा ने खरीद ली, तो उसमें थोड़ा सा लफड़ा हुआ। जब मैं स्कूल में था तब तो अपने मन में ऐसा होता था, मतलब मैं रोया भी हूँ काफ़ी उस बात को लेकर, कि मैं उस समय बड़ा क्यों नहीं था, कि मैं पापा की उस समय हेल्प करता तो आज मुझे 12 साल नहीं लगते इस प्रोडक्ट को निकालने। मैं ये प्रोडक्ट 2010 में निकाल देता अगर मेरी उम्र 2010 में 27 साल की होती। ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। हाँ। देखो संघर्ष तो सबके जीवन में होता है। ये अगर मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा करोगे सही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें लाइफ में मतलब गलत कदम नहीं लेने, हमने पापा के टाइम से यही सीखा। अभी ये कियोस्क में आप गलत कदम ले रहे हो। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, अहमदाबाद में एग्जैक्ट ये टेस्ट का प्रोडक्ट मिलता है जो उसका नाम है हजमा हजम। अच्छा, तो यू नो इतनी सिमिलर टेस्टिंग के अगर प्लेयर्स आ गए जी, तो आप एक खुद का ब्रांड कैसे बनाएंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ब्रांड हमारा जो हमारी जो मोनोपोली है, हमारे पास जो टेस्ट है वो सिर्फ शिकंजी मसाले का टेस्ट है। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ से 5 साल आगे देखें तो आपको क्या विजन? सर, मैं बेवरेज इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ कैन लेके, क्योंकि शिकंजी के अंदर जो सोडा डालते हैं उसका फीस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ। जो पैट बॉटल्स में कैरी नहीं हो पाता, इसलिए मैं कैन में लेके जाना चाहता हूँ जैन शिकंजी को। तो आपका अभी प्रोडक्शन क्या है मोदीनगर में, कितना है कैपेसिटी, कितना बना सकते हैं आप साल में? 3-4 करोड़ का रेवेन्यू का हम सामान बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में प्लांट हमारा अभी बना नहीं है, तो अभी बनाएंगे उसको आगे और बढ़ाएंगे। चलो, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। अरे भाई, मुझे क्या लगता है ना, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है और आप भटक रहे हो इधर उधर, जरूरत ही नहीं है आपको। आपको खाली इसी प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? और इसको आप ऑनलाइन बहुत अच्छा बेच सकते हो। कियोस्क वियोस्क में आप मत पड़िए, वहाँ कॉपी हो जाएगा। हाँ जी, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। Are you out? आप out है? मैं आउट हूँ, मैं आउट हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है, तो आई एग्री विद पीयूष। और मुझे तो लगता है कि ये एक्सपोर्ट में तो बहुत ही बड़ा बन सकता है जी। लेकिन इसमें मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, तो उसके वजह से आई एम आउट। अभी दो शार्क्स बाहर हैं, नमिता और पीयूष बाहर हैं।
तो बाकी पांचों का क्या विचार बन रहा है? बात करनी है? करने हाँ, करना हाँ। चलो बात करते हैं। आप बाहर चले जाओ, हम 5 मिनट बात करते हैं। नहीं सर, हम यहीं पे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैठ रहा भाई, लेके जाएंगे। और आए हैं तो लेके जाऊंगा मैं क्राइम मास्टर गोगो। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ। जैन शिकन जी, क्या आपको राइट्स दिए है ये पेपर पे दिया है एग्रीमेंट में, या बस बोल के दिया हुआ है कि आप कर लो ये काम? सर अभी पेपर की तो जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी तो उनको पेपर पे भी होएगा सर, विश्वास है सर पूरा। लगता है ऑफर आ गया। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक yes. है, बट जो ये फैमिली वाला एंगल है ना, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये भाई है, ये ताऊ जी है, मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरे फादर, यू नो, ताया जी, चाचा, तीन भाई हैं, एंड काफी प्यार था, बट जब बिजनेस की बात आई, पैसे की बात आई, डिस्प्यूट हुआ, और हम लोगों ने कुछ ऐसा ऐसा देखा जो हमने सोचा भी नहीं था लाइफ में कि एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसे बिहेव कर सकता। मैं आज आउट हूँ, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई बिलीव इन योर प्रोडक्ट। एक क्लियर लीगल डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ताऊ जी अबाउट यू नो राइट्स एंड कॉन्फर्मेशन कि आप जो जो बनाओगे फ्रॉम कैन टू यू नो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन जैन शिकन जी का नेम वो आपको अलाउड है एंड उसमें कोई रेवेन्यू शेयर या लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बात भी बोल दो, आपका 40 लाख की जो आस्क थी उसके लिए हम 30% स्टेक लेंगे। वाओ, वाओ, क्योंकि अमन, अश्नीर, अनुपम और मैं साथ में जुड़ के ये करना चाहते हैं, और ये बेट है प्योरली, इसको एक हाउसहोल्ड, जैसे हल्दीराम के घर घर में प्रोडक्ट पड़े हैं ना, ऐसे हमें घर घर में जैन शिकंजी के डब्बे चाहिए, वो विजन है हमारा। अनुपम, एक और बात भी सुन लो, बेट सिर्फ आप पे है, आप सोच लो अपना डिसीजन। मुझे 1 मिनट दीजिए। श्योर श्योर, ताऊ जी को फोन कर रहा है। नहीं नहीं, फोन कुछ नहीं करता, अपने आप ही डिसीजन लेना। वेल डन। 30% तो उसके पास भी नहीं है। इसके पास? पापा और भाई के पास है। पापा दे देंगे ना, पापा दे देंगे, सब डाइल्यूट करेंगे। एक काम आप करोगे, आपने बोला ना शिकन जी मैं नहीं बेचूंगा। हाँ। अरे मैं काम करा दूंगा अमन को, अमन तेरे तो इन्वेस्टर कूटेंगे तेरे। कुछ नहीं, रीपैकेजिंग करा दे, प्लेसमेंट करा दे यार। ओके, तो ऑनलाइन ऑनलाइन फोड़ना मुझे भी लग रहा है। लेट्स हैव डील। Well done. Thank you. Quick, that was a quick decision. एक बात, आपने जो इतनी जल्दी decision बनाया ना, उससे मेरा confidence और भी बढ़ा। Congratulations. अब आपके पास एक भारी legacy के अलावा 4 भारी sharks का trust है। Congratulations. We are so happy for you. Such a sweet time. Thank you. All the best. शार्क्स, मेरा नाम मनीष है। मैं रूपाली। और मैं सुप्रीत। हम वुलू के को-फाउंडर्स हैं। सर शार्क्स, आप सबने अपने घरों में महसूस किया होगा कि आपकी घर की औरतें जब घर से बाहर जाती हैं तो हमेशा वॉशरूम होके जाती हैं। कुछ भी भूल जाए लेकिन वॉशरूम जाना कभी नहीं भूलती, क्योंकि उनके मन में ये डर हमेशा है कि बाहर एक साफ और सुरक्षित वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। शार्क्स कहते हैं कि एक औरत का दर्द एक मर्द को तभी पता चलता है जब वो एक लड़की का बाप बनता है, पर उसी लड़की को अगर हम लोग एक बेसिक हाइजीन डिग्निटी प्रोवाइड नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से एक रिवॉल्यूशन निकली और उसका नाम है वुलू। वुलू एक इनोवेशन है जो लू डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। वुलू हमारे यूजर्स को जब भी वो घर से बाहर होते हैं तो उन्हें नजदीक के वॉशरूम लोकेट करने में मदद करता है और उसी की तरफ नेविगेट करता है। वुलू एक एग्रीगेशन मॉडल यूज करता है और जो ए ग्रेड रेस्टोरेंट्स में वॉशरूम है उन्हें सर्टिफाई करता है हाइजीन और सेफ्टी के लिए। हमारे पास 1200 ऐसे रेस्टोरेंट सर्टिफाइड है मुंबई में। वुलू एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है
और ये शेयर्ड इकोनॉमी इफेक्टिवली यूज करता है और इसी की वजह से वुलू एक्सट्रीमली एसेट लाइट है और हाईली स्केलेबल है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इसके कस्टमर्स के लिए। सो शार्क्स, वुलू एक तोहफा है मेरे जैसे फादर्स से अगली जनरेशन को, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए। हम चाहते हैं 4% इक्विटी के सामने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट, एंड प्लीज ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। सो गो बिंदास, वुलू है ना। सो टीम वुलू, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आप सॉल्व करने निकले हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि बहुत सारी यंग गर्ल्स स्कूल से ड्रॉप आउट होती हैं, राइट? एब्सोल्युटली। बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग गुड टॉयलेट्स, दिस इज अ बिग इशू इवन इन द एजुकेशन सेक्टर, राइट? मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आई है, इफ आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर और राह चलता कोई भी सिर्फ मेरा लू यूज करके चला जाएगा, that can create more of a nuisance value. I belong to retail industry, global retail industry. Before इससे पहले मैं Walmart US में था and Shoppers Stop में था. I'm a consumer analyst. एक बहुत important चीज होती है any retail business में customer entry. Wooloo इन दो problems को solve करता है. 60% restaurant उनको negative comment मिलता है, bad food और bad ambience के वजह से नहीं, but bad toilet की वजह से. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो टॉयलेट एरिया होता है वो नॉन ट्रेडिंग स्पेस होती है एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए, तो हमेशा वो कॉस्ट सेंटर बनता है उनको मेंटेन करने के लिए और फ्रीली अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स के लिए। हम वुलू के द्वारा कस्टमर ड्राइव करते हैं उनके फैसिलिटी में, हम वुलू की हाइजीन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और प्रोसेस से उनको हेल्प करते हैं, मतलब उनका कैसे टॉयलेट मैनेज होगा और मेंटेन होगा, और वुलू के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम से हम उनकी जो टॉयलेट मेंटेनेंस कॉस्ट है उसे रिड्यूस करते हैं। एक डेमो देख लें, पता लग जाएगा इजीली। हाँ, वो अच्छा होगा। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसी लोकेशन के आसपास आपको लूज नजर आएंगे। हमें तो ये करने नहीं देते हैं, दूर वैनिटी में बेचते हैं लू जाने के लिए। हाँ जी। यहाँ पर है टॉयलेट? हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे 2 किलोमीटर में 30 टॉयलेट। इसे बड़ा परेशान करके रखा है इन लोगों ने 2 महीने से। दीज आर ऑल दी होस्ट्स अवेलेबल अराउंड यू। नाइस। जैसे ये आप देख रहे हैं, तो जब मैंने क्लिक किया तो आप नीचे उसका इमेज देख सकते हैं कि कौन सा वॉशरूम है। जैसे स्टारबक्स है तो उसकी जो भी रेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस है वो देख सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको डायरेक्शंस पे ले जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। स्टारबक्स को भी आपने सर्टिफाई किया? Yes. हाँ जी। पहला प्राइमरी रेवेन्यू हमारा है सब्सक्रिप्शन का, 99 रुपए हर मंथ, ओके, या फिर 365 रुपीज एनुअली सब्सक्रिप्शन। जितने भी बार सब्सक्रिप्शन खरीदी उतने रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको वो रूपी में मिलते हैं, ओके, दैट इज पहली बार वो होता है। सेकंड रेवेन्यू हमारा है जो रिडेम्पशन होते हैं, उसमें से 20% वर्थ ऑफ पॉइंट्स कन्वर्ट होते हैं रिडेम्पशन के लिए पहले हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो हर कस्टमर अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और उनको 200 पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं वो परचेस पे। करंटली हमारे पास 12,000 डाउनलोड्स है, 6,000 पेड यूजर्स है और 4,000 एक्टिव यूजर्स है जो महीने में 5 से 7 बार ऐप यूज करते हैं। रेवेन्यू बताइए। 23 लाख का रेवेन्यू हमारे पिछले 3 महीने में हुआ है। पिछले महीने कितना हुआ? पिछले महीने में हमारा रेवेन्यू था 9 लाख रुपए। नॉट बैड, नॉट बैड। यू नो टॉयलेट का मेंटेनेंस सबसे बड़ा इशू है। हाँ जी। तो ऐसे सर्विस मॉडल में बैड रिव्यूज, मतलब बहुत डैमेज हो सकता है ऐसे रिव्यूज से। जब होस्ट ऑनबोर्ड होता है तो हम लोग एक मोशन सेंसिंग टॉयलेट सीट देते हैं, हमारे जो एफिलिएट पार्टनर है वो एक फ्री यूनिट देते हैं हम उनको। दूसरा, वही यूनिट में एक IoT सेंसर है जो स्टिंक लेवल डिटेक्ट करता है हर 1 घंटे में, और हर दिन का स्टिंक लेवल, एक थ्रेशोल्ड स्टिंक लेवल हम लोगों ने दिया हुआ है, उसमें रिपोर्ट्स में आता है। अगर वो क्रॉस होता है तो ट्रिगर होता है, और अगर 3 बार क्रॉस होता है तो वो फैसिलिटी डीलिस्ट होती है। आप उसको डीलिस्ट कर भी देंगे तो क्या होगा? आपका एक जो टॉयलेट है वो कम हो जाएगा, पर अगर उसका हाइजीन मेंटेन करना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लें और उसके लिए चार्ज भी कर लें और रेस्टोरेंट के लिए भी इजी है, तो इन सम वेज बिकॉज आपका कोर प्रोपोजिशन क्वालिटी है वो आपके हाथ में ही नहीं है। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं इससे आउट हूँ। मेरे को लग रहा है ये प्लेटफॉर्म लेवल पे अभी तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है। ओके। और ये अभी प्रॉब्लम रिटेल लेवल पे सॉल्व हो रही है, मतलब मैकडॉनल्ड्स एंड स्टारबक्स आर द ट्रांजिट वॉशरूम्स फॉर एवरीवन, राइट? एंड इसमें मोनेटाइजेशन भी मेरे को अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस कारण से मैं आउट हूँ। इसमें मॉडल में मुझे भी 2-3 इश्यूज हैं। इफ द ड्रॉ इज कि मैं तुम्हें कस्टमर ला रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर नॉट फीलिंग द प्रेशर कि मुझे जाके कुछ खरीदना पड़ रहा है। लाइक मैं हजारों बार वॉशरूम यूज करके बाहर निकल जाती हूँ बिकॉज मुझे गिल्ट नहीं होता है। बट द कस्टमर इज गोइंग बिकॉज दे आर फीलिंग द प्रेशर।
ओनली प्रेशर टू गिव नॉट टू टेक. सो अलाइनमेंट है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, आई शुड बी एबल टू पे फॉर इट एंड दैट मनी शुड गो टू द पर्सन हु इज मेंटेनिंग इट इज द लॉजिकल मॉडल मेरे दिमाग. तो इस रीजन के लिए आई एम ऑल्सो. तो आपका दो मॉडल हो सकता है, अगर आप वॉशरूम फाइंडर हो, लोकेटर हो, तो वो फ्लॉड मॉडल है क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं गूगल से बेटर कोई नहीं बता सकता मुझे. अगर आप सर्टिफिकेशन एजेंसी हो कि आप वॉशरूम सर्टिफाई करते हो, तो वो आपने किसी तरह वो आपके अंदर निकल के नहीं आ रहा कि वो आपका कोर है. बट द प्रॉब्लम इज जेन्युइन एंड फॉर दोज रीजन विच आई स्टेटेड बिफोर आई एम आउट. देखो मेरे को क्या लगता है ना, आपका प्रॉब्लम बहुत रियल है, अभी आपका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो मैं बाहर हूं, बट बेस्ट ऑफ लक. अप्रिशिएट दैट. नाउ आई एम आउट, बट द प्रॉब्लम इज लार्ज इनफ फॉर यू गाइस टू सॉल्व, सो जस्ट बी एट इट. थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लगता है कि ये बिजनेस बन पाएगा आपके लिए. ओके. और वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे-जैसे गूगल मैप्स या ऐसे प्लेटफॉर्म Zomato और यूटिलिटेरियन बनते जा रहे हैं, मतलब रोज की सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप है, ये है, वो है, उसी तरह टॉयलेट्स की भी रेटिंग अपने आप शुरू हो जाएगी. कस्टमर जाएंगे गूगल मैप्स पे, वो एक लोकेशन ढूंढेंगे और अपने आप वो टॉयलेट की रेटिंग करेंगे. तो इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा. तो 6 sharks आउट है बची में. Yes, ma'am. किसी ने किसी को तो ये पहल करनी है जरूर. तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी. 25 lakhs for 10% equity and 25 lakhs as debt at the rate of 12%. हम लोग एक मिनट चाहते हैं, हमारी maybe internal discussion हम लोग कर सकते हैं. Sure, sure. नमिता, good. अरे यार, थोड़ा भावुक हो गई मैं. होना चाहिए. तेरे जैसे emotional हो रही हूँ तेरे साथ रह के, not a good thing. हम खुश हैं कि आपने ऑफर दिया, मैं वो प्राउड है, बट मैं पैसे नहीं बना पाऊँ. ठीक है यार, कोई कोई चीजें कॉज के लिए करते हैं. हम आपको काउंटर करना चाहते हैं. ओ, मैं काउंटर नहीं लूंगी. सुन तो लीजिए. हाँ जी, बोलिए. आपका तो 35 lakh 6% से हम लोग डेट नहीं लेना चाहते. आई थिंक ये मेरा जो ऑफर है वो फाइनल है. अगर आपको नहीं लेना है, आई रियली मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट लक देना चाहूंगी. प्लीज वॉच अस. थैंक यू सो मच. नमस्ते शाक्स. नमस्ते. मैं सुरेश मुटनेजा हूं और मैं बॉम्बे से हूं. हेलो शाक्स, मेरा नाम आशना मुटनेजा है और मैं भी मुंबई से हूं. नमस्ते शाक्स, मैं पंकज भाई, मैं गुड़गांव से हूं. तो शाक्स, आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये सिचुएशन फेस की होगी कि आपके घर वालों को आपकी जरूरत हो पर आप टाइम से नहीं पहुँच पाए. जरूर. ऐसी ही आप बीती हमारे साथ हुई जब मेरी मदर जो 70 years की हैं वो पानीपत में रहती हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली और पीछे से एक स्कूटर वाले ने उन्हें हिट कर दिया. उस समय कौन उनकी हेल्प के लिए आया? आसपास के अनजाने लोग. और हम लोग दूर बैठे थे तो हम लोगों ने बहुत हेल्पलेस फील किया. उस समय मन में सिर्फ यही बात आई कि काश कोई ऐसी प्रोफेशनल सर्विस होती जहां मैं फोन कर पाता और अपनी मदर के लिए हेल्प मांग सकता या मदर ले सकता किसी से. हमारे पास कम से कम 20 crore ऐसी जनता है जो 50 साल से ऊपर है और जिन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोगों की मदद की आवश्यकता होती है. और न्यूक्लियर फैमिली एक नए इंडिया का सच है. यही गैप हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंपनी एल केयर कैरेंटिंग फॉर एल्डर्स के साथ, जिससे हम चाहते हैं कि हम सीनियर सिटीजंस की लाइफ सिंपल बना सके और उन्हें 360 केयर प्रोवाइड कर सके. हम छोटी से छोटी सर्विस जैसे उन्हें बैंक या मंदिर लेके जाने से लेके बड़ी से बड़ी सर्विस जैसे घर पे ICU सेटअप करवाने तक सब कुछ करते हैं. वी डू दिस एट अफोर्डेबल रेट्स एंड राइट एट योर डोरस्टेप. सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम किसी अननोन इंसान को या अनजान इंसान को अपने घर में कैसे आने देंगे. बहुत सोचने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि जो होंगे हमारे केयर में, जो आपके लव्ड वंस का ध्यान रखेंगे, वो होंगे इंडिया के एक्स डिफेंस पर्सनल. तो जिन्होंने देश की रक्षा की है वो अब आपके लव्ड वंस की रक्षा करेंगे.
इनका पेपरवर्क सटीक होता है और हम सब उन पे भरोसा कर सकते हैं। पिछले 8 महीने की इस जर्नी में हम 11 से ज्यादा शहरों के अंदर 226 से ज्यादा फैमिलीज के साथ अपने प्रोडक्ट को ट्राई कर चुके हैं और अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। अब हम अपने आप को टेक एनेबल करके इस चीज को पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि 2.5% इक्विटी के लिए हम आपसे 1 करोड़ का निवेश की मांग करते हैं। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं शार्क टैंक से कैरेंटिंग टैंक में आने के लिए? वेरी नाइस पिच। थैंक यू। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आशना, आप मेन सीईओ हैं कंपनी की? नहीं, आई एम द डायरेक्टर इन द कंपनी। मैं 22 साल की हूँ। ये मेरे फादर हैं और ये मेरे मामा हैं। अरे वाह। हाँ जी। और इससे पहले कुछ और भी आप जॉब या बिजनेस कुछ और कर रहे हैं? बेसिकली हमारी एक मेन कंपनी है विच इज अबाउट 20 साल पुरानी है। उस टाइम पे ये आउटसोर्सिंग मॉडल नहीं था काफी कंपनीज का। जैसे हम लोग इस समय जितने भी पूरे इंडिया के स्टील प्लांट्स हैं और ग्लास प्लांट्स हैं उनकी सारी पैकेजिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उनके वेंडर पार्टनर हैं, उनके प्लांट के अंदर हैं। पर्सनली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा भी बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरा अपना सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का इंटरनेशनल रिटेलर्स के लिए काम रहा है। बाद में मेरा अपना एक्सपोर्ट हाउस रहा है। वो चीज़ मैंने 2017 में वाइंड अप करी थी और तब हम लोग नए प्रोजेक्ट्स देख रहे थे और आपस में इन्वेस्टमेंट्स की ये देख रहे थे कि क्या चीज़ों में हम और कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शे और नाइटिंगेल सर्विसेज है वो भी तो सिमिलर चीज कर रहे हैं। आर्मी पर्सनल को लेके नहीं बट मॉडल उनका सेम है, तो आप उनसे अलग कैसे हैं? इसमें दो डिफरेंशिएशन फैक्टर्स है। जैसे आप ओटिया की बात करें तो वो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस दे रहे हैं। हमारा एक रिलेशनशिप मैनेजर हम साथ देते हैं काइंड ऑफ और वो शुरू कर सकते हैं सर्विसेज बिकॉज़ उनको भी काफी वक्त लग गया इन बिजनेसेस को स्केल करने में। ये इजी बिजनेसेस नहीं है। देखिए मार्केट इतनी बड़ी है पीयूष की, इसके अंदर हमारे जैसी 20 कंपनीज भी आ जाए तो भी हम पूरी नहीं कर सकते नीड, क्योंकि पिछले 8 महीने में जब हमने देखा है तो सिर्फ एक जो सरप्राइज फैक्टर होता है, अच्छा यार ऐसी सर्विसेज भी अवेलेबल है, पता क्यों नहीं है आप, व्हाई डोंट यू गाइस रीच मोर इन द मार्केट। शार्क, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इफ यू लाइक टू सी। या श्योर। शार्क, सो फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, आपका नाम ऊपर डिस्प्ले होगा, हाय आशना। आप नीचे जाएंगे तो आपको हमारी सारी सर्विसेज दिखेंगी, हेल्थ केयर, कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे नर्सिंग बुक करनी है किसी के लिए तो आप जाएंगे हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ऑल दी सर्विसेज आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक योर योगा टू वेबिनार्स, वैक्सीनेशंस एट होम फॉर एल्डर्स से लेकर नीचे जाएंगे तो नर्सिंग द सेकंड लास्ट ऑप्शन, उसके ऊपर आप बुक क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको अपना टाइम और डेट सिलेक्ट करना है एंड आई कैन प्रोसीड। करंट लोकेशन, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, वो लोकेशन ले लेता है एंड ऑटोमेटिकली आप प्रोसीड कर सकते हैं। Awesome, your service has been booked. अब ये मैंने अपने फोन से किया है for my father, that is Mr. Suresh. जब केमेट उनके पास जाता है, उनका for example BP चेक करता है, तो वो कहाँ ये लिखेगा? तो इसके लिए जब मैं Mr. Suresh Mutneja की प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती हूँ, जहाँ पे नीचे आपको आएगा कि it is successfully been switched. आप जाएंगे माई रिकॉर्ड्स पे, यहाँ पे आपको उनके डॉक्यूमेंट्स, वाइटल्स, ब्लड रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक्स सब कुछ मिल जाता है। अपना थोड़ा स्केल बताएंगे कि आपका रेवेन्यू कितना है और इसमें मार्जिन क्या है बिजनेस में? हमने शुरुआत की थी, इसका लॉन्च हमने किया था फरवरी में और ये साल में हम लोग जो अप्रैल से लेके अभी नवंबर तक 50 लाख का हमने बिजनेस किया है। महीने का कितना करते हैं आप? रफली अबाउट 5-5.5 लाख का रफली जो है। इसमें मार्जिन क्या है? 30% मार्जिन है। आपने 70 टाइम का मल्टीपल मांगा है रेवेन्यू पे और आपका 30% तो मार्जिन है, तो 210 टाइम ग्रॉस प्रॉफिट पे आपने मल्टीपल मांगा है। ऐसा क्या है जो वो मल्टीपल को जस्टिफाई करता है? तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, जैसे आपने पोटिया की बात की या आपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात की, उनको भी हमने देखा, थोड़ा स्टडी किया है, उनको भी रेवेन्यू का 100 मल्टीपल मिला है। 10 साल हो गए रेवेन्यू का 100 मल्टीपल नहीं है। आप लोग की भागीदारी क्या है इस कंपनी में, जरा समझाएंगे? Right now the holding is 40 with me, 30 with my wife, 15 with Ashna and 15 with Sanil, my son. But we need to do some paperwork. 25% Pankaj ko jana hai. तो आप चारों का इसमें भाग रहेगा? हाँ जी। और actively आपकी daughter काम करेगी और जैसे कि पंकज likes to be called पंकज भाई, पंकज भाई काम करेगा। सर वो पंकज भाई surname में। Surname में क्या? Surname में। मैंने सोचा। Oh wow, ये surname मैंने पहली बार सुना है। बहुत ही interesting है। बहुत ही अच्छा।
मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। देखो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नीड भी है और आर्मी ऑफिसर का भी यूनिक आइडिया है। मुझे लगता है कि अभी ये बिजनेस जो है ना उतना इन्वेस्टेबल नहीं है। तो आप बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो अच्छा है, जो आपका यूएसपी है, पर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा स्केल में, बिकॉज सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अभी क्या है, छोटा बिजनेस है, जैसे आप स्केल करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, तो अभी मुझे इसमें स्केलेबिलिटी और फोकस का इशू आ रहा है, इसलिए मैं बाहर हूं। मैंने जो आपके 2-3 कंपेटिटर्स के नाम लिए जिनके साथ मैं एज अ फार्मा कंपनी काम करती हूँ, तो एक या दो जो आपके डिफरेंशिएटर्स है वो इजिली उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और उनका एक ट्रस्ट फैक्टर बन गया है बिकॉज ऑफ विच लोग उनके और पहले जाएंगे कंपेयर टू यू। तो उसके वजह से आई एम आउट। आपका जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है और जिस टाइप से आप कंफ्लिक्टेड है मेरे हिसाब से, तो वहां से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं आउट होना चाहूंगा। बिजनेस जो आप कैटेगरी में प्ले कर रहे हो, ये एल्डर केयर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आई टोटली अग्री विद दैट। मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ टीम में क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सीईओ कौन है, अगर कल को डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, इक्विटी किसी के पास है जो यहाँ पे नहीं है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं इनको पक्का करता अगर ये सिंगल आती, जैसे सबने शास ने बोला इतना कॉम्प्लिकेशन है ना ये फैमिली बिजनेस और आपके बिजनेस, आपका कोई इक्विटी है नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या। फॉर दैट रीजंस आई एम आल्सो आशा, आई एम वेरी शॉक आप 22 हो बिकॉज यू साउंड लाइक द सीईओ ऑफ अ लार्ज कंपनी। होपफुली मुझे इसमें चैलेंज ये लगता है कि जो ये लार्ज कंपनीज लाइक पोर्टिया एंड अर्बन कंपनी ने जो क्रैक किया है, विच इज बहुत एसओपी ड्रिवन मेन्यू कार्ड है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ये जो सस्पेंस होता है ना, यू नो एज अ पर्सन बुकिंग कि वो कितना कॉस्ट होगा ऑफ दैट सर्विस व्हेन इट इज डिलीवर्ड, एग्जैक्टली क्या मिलेगा। ये स्केड्यूलिंग ऐप है, ये एक सर्विस बुकिंग ऐप नहीं है, तो इसलिए एट दिस पॉइंट मुझे यू नो ये क्लैरिटी नहीं है कि इसको एज अ टेक बिजनेस हम स्केलेबल कैसे बना पाएंगे। बट इसमें आप थोड़ा सा ट्वीक करके एक स्केलेबल बिजनेस बना पाएंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। क्या मेरे को लगता है एक चीज आपने फोड़ी है इसमें, वो है कि आपने एक सर्विसमैन की नीड पकड़ी है कि दे आल्सो वांट टू वर्क, उनका डिसिप्लिन है और जनता उन पर ट्रस्ट करती है, ये आपने बहुत अच्छी तरह क्रैक किया है। मैं आपको ये रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये वाला बिजनेस छोड़ दो, थोड़ा उस एंगल पे फोकस कर लो कि इन एक सर्विसमैन की अगर आपने सप्लाई चेन बना दी कि आपके पास पूरा एक नेटवर्क है एक सर्विसमैन का मैप्ड आउट इन डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, और अगर आप उसको दूसरी तरफ इंडस्ट्री से जोड़ दो तो वहां पे आप एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बना सकते हो इंडिया में। तो अगर आप ये इन एक सर्विसमैन को अच्छी जॉब्स में प्लेस करने का एक बिजनेस बनाते हो तो उसमें मेरे को इन्वेस्ट करने का बहुत इंटरेस्ट होगा, बट अभी आप वहां पे हो नहीं, तो वो जब आप करोगे तब हम उस पर बात कर सकते हैं, बट अभी के लिए आओ। Shark Tank India pe total number of entrepreneurs mein se 21.7% of the people were less than 25 saal. Mera naam Karan hai, main 21 saal ka hu. Hum 22 saal ke hain. Main 21 saal ka hu. Main 16 saal ka hu. I'm 22 years old. Main hu 20 saal ki Dhur Varshita. Ye hai young entrepreneurs ki young India. Mera naam Anushka Jolly hai aur main 13 saal ki hu. 5 में से एक बच्चा बुली हो रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ करना था, तो तब शुरुआत हुआ एंटी बुलिंग स्क्वाड का। मैं डायबिटीज के साथ ही जन्मी हूँ। आई प्रॉमिस्ड माय डैड आई एम गोना बिकम रिसर्चर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपने कमजोरी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है, आपसे मिलके मैं बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ। हम 21 साल के हैं नागपुर सिटी से और हम हैं the owners of Farda Clothing। मैंने बहुत कस्टमाइज्ड चीजें देखी पर इनका क्वालिटी एंड इवन द पैचेस आर ब्यूटीफुल। दीस किड्स अंडरस्टैंड डिजाइन। वी होप टू बी सिटिंग ऑन दीस सीट्स समडे। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप एज को बुला दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम ढूंढो और उसका जबरदस्त सॉल्यूशन बनाओ, और फिर सिंपल आप आ जाओ वो सॉल्यूशन लेके Shark Tank India के मंच पर। पीयूष आया नहीं अभी तक, क्या करना है? टैंक में हमारे शार्क्स को है इंतजार, अपने को शार्क
पीयूष बंसल का। नहीं आ रहा, ठीक है, पांच लोग बैठे हैं तो ठीक, छह बैठे हैं तो ठीक, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अब बारी है पहले सीजन के आखिरी पिच की। प्रोडक्ट का है पीयूष का है। एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़, कितना लिखा है? शाक्स, सुनिए मेरी बात। 2010 की जिस पिच ने बदल दिया लेंसकार्ट का कल, अपनी उसी पिच को दोहराने आए हैं हमारे शार्क पीयूष बंसल। शाक्स, सपने तो सभी देखते हैं, पर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उसमें से खाली 1/4 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चश्मा है। इसका मतलब 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक बच्चे की 80% लर्निंग विजन के थ्रू होती है, पर विश्व में ऐसे 23.5 करोड़ बच्चे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी 30% से बढ़ा सकता है और अपनी इनकम 25% से बढ़ा सकता है इंडिया में जस्ट थ्रू विजन करेक्शन। ग्लोबली इकोनॉमी में विजन करेक्शन की प्रोडक्टिविटी लॉस से सालाना लॉस इज $227 बिलियन। इसीलिए शार्क्स, मेरा मानना है और कई रिपोर्ट्स का मानना है कि इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ एलिमेंट वो है विजन करेक्शन। शार्क्स, 3 में से 1 भारतीय ठीक से देख भी नहीं सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट कोई कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है विजन करेक्शन को रेवोल्यूशनाइज करने का। ये एक विजन है 50% हिंदुस्तानियों को चश्मा पहनाने का। शार्क्स, हम इंडिया का मारुति ऑफ आईवेयर बनना चाहते हैं। जैसे मारुति ने गाड़ियों का सुख एक हिंदुस्तानी को दिया है, हम चाहते हैं लेंसकार्ट के थ्रू हम वो विजन का सुख हर हिंदुस्तानी को दें। शार्क्स, मैं हूँ पीयूष बंसल, मैं हूँ 26 साल का और मैं हूँ को फाउंडर एंड CEO लेंसकार्ट का, और मेरी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर बहुत सारी गाइडेंस एंड 1% ऑफ इक्विटी इन माय कंपनी। गुड पिच। तो कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? पिच। तो पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी, कैसे आपके चश्मे बाकी चश्मों से डिफरेंट है? गजल जी, मैं आज चश्मे तो नहीं लाया हूँ, पर मैंने एक लेंसकार्ट का चश्मा पहना है। पर हम इस इंडस्ट्री को ऐसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम 3 है। एक है अवेयरनेस की। हिंदुस्तान में एक बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई उसका विजन टेस्ट नहीं करता है। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी विजन टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? घर की महिलाएं टीवी के पास आती रहती हैं पर चश्मा नहीं लगाती हैं। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी है। दूसरी प्रॉब्लम है एक्सेस की। 800 मिलियन लोगों के पास फोन है, हर गली नुक्कड़ में फोन की दुकान है, पर चश्मे की दुकान खाली 40,000 है। आप प्रोडक्ट पे बाद में चाहते हैं, पहले आप ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करते क्या थे पहले? मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक लास्ट पॉइंट, किसी कंटेस्टेंट ने नहीं बोला सर। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। चश्मा की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही क्लोज नेट इंडस्ट्री है, तो इसको जो कंट्रोल है वो बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है चश्मे की वो काफी महंगी हो जाती है देन द एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, तो अमन जी आप पे आते हैं। तो आप एक ये बताइए कि आपने लेंसकार्ट क्यों स्टार्ट किया और आप क्या फ्लिपकार्ट से कॉपी कर रहे हैं कि ये के जो आपने लिखा है? सर, मैंने ये डोमेन नेम फ्लिपकार्ट शुरू होने से पहले रजिस्टर किया था। चल झूठे। ये चेक कर सकते हैं आप। और मैंने करीबन 20-30 कार्ट वाले डोमेन्स रजिस्टर कर लिए थे। आप परफ्यूम कार्ट भी ढूंढेंगे ऑनलाइन तो मेरे पास ही है, टॉय कार्ट भी मेरे पास है। मेरे को आप बड़े रिस्की बंदे लगते हो। मुझे लगता है आगे जाके आप ये वॉच कार्ट और बैग कार्ट ये सब शुरू करोगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हो सकता है सर। अभी तो मुझे एक प्रॉब्लम बड़ी मिली है। मैं इस प्रॉब्लम पे आता हूँ, मैं कैसे आया। सर, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में। इंजीनियरिंग मैंने IIT के लिए बहुत तैयारी करी, पर मेरा IIT में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हुआ। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने चला गया मैकगिल यूनिवर्सिटी, जो कि कैनेडा में है। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं चला गया माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में। पर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मुलाकात हुई थी बिल गेट्स से। वो सब इंटर्न्स को अपने घर बुलाते हैं जो बीच पे है, और मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा कि इन्होंने सीरियसली कुछ बड़ा किया है। मतलब मैं
अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता एक्सेल के बिना। और किसी ने मुझे बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट में 50,000 लोग काम करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 1 in 50,000 नहीं बनना है। और मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा था कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा हूँ जो पहले ही काफी बेहतर है। तो इसीलिए मैं इंडिया आया, कोई मेरे पास प्लान नहीं था। माँ बाप ने भी मुझे कहा कि अच्छी जॉब है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बस जुनून था, आ गया। तो मैंने कॉलेज क्लासिफाइड बिजनेस शुरू किया, उसमें इम्पैक्ट मुझे लगा आ रहा था, 30 लोगों की टीम भी बना ली, पर वो रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था। आप ऐसे अपने आप को ऐसे क्यों समझाते हो, मैं ये सॉल्व करूंगा, मैं ये कर दूंगा? आपने देखो, आपको IIT में एडमिशन नहीं हुई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं मिली पहली बार। अमन सर, मैं हार नहीं मानता। नहीं नहीं सुनो, आपको वहां नौकरी मिली नहीं, ठीक है? आप बिल गेट्स के घर जाके एक्साइटेड हो गए कि मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए। आप इसीलिए आए हो, कूद गए आप, ठीक है? और आपने ना कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, 100 करोड़ की आप वैल्यूएशन लेने आ गए हो। मैंने बहुत मेहनत करी है पैसा कमाने में, मैं अपने पैसे आपके ऊपर क्यों लगाऊंगा जिस बंदे को कुछ कहीं पे कुछ मजा नहीं आया। सर, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाउसिंग प्रॉब्लम को, वो उसमें वो भी फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ सर। क्या हुआ सर? हम उसके अंदर 1500 कॉलेजेस हमारे पास लिस्टेड है, हमारा कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं है, इतने सारे पीजीज लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट 30-40 लाख का रेवेन्यू है हमारा खाली क्लासिफाइड से। पर मुझे उसमें एक चीज से बहुत नफरत है कि मुझे जाके वो एडवर्टाइजमेंट बेचना पड़ता है ना, मुझे लगता है कि मैं ये करने इंडिया नहीं आया। तो आपको बेचने से दिक्कत है आपको बेसिकली? नहीं, मेरे को बेचने से दिक्कत नहीं है, मेरे को ये 1x वाला समझ नहीं आता, मुझे रेवोल्यूशनरी काम करना है। आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप सच्चे सच्चे बताओ, आप इंडिया वापस क्यों आए हो? आपको निकाला है ना वहाँ से नौकरी से? सर, मेरे पास इंडिया में बिलगेट्स को ईमेल लिख के पूछेंगे, आप जानते हैं उन्हें। अरे लेकिन तुम हो कौन पूछने वाले? 2010 है, कौन है अश्नीर? मेरे को भी नहीं पता। मैं अनुपम भाई की तरफ से पूछना चाहूंगा, आपके पापा क्या करते हैं? आपने कनाडा में एजुकेशन किया, तो आई एम श्योर आप वेल टू डू फैमिली से हो। और आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूं। आपके वाइफ के पापा क्या करते हैं? मैं बताता हूं आपको। उनका लास्ट नेम क्या है, ये बताइए। पहले मेरे पापा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर वो अभी CA प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनका बिजनेस है कॉपर वायर्स का, एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैंने यूनिवर्सिटी की भी ऑलमोस्ट 70% एजुकेशन ग्रांट्स के थ्रू ही करी है। ओके, अच्छा पीयूष, लोगो एक सेकंड। हां, आपका लोगो आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बनाया क्या? मतलब वो ऐसे बहुत ही बेसिक सा है, क्या थॉट गया आपने, कुछ कॉन्सेप्ट है उस लोगो का? मैम, हमने ना इंटरनेट पे डाला था कि जो सबसे अच्छा लोगो बनाएगा उसको अवार्ड मिलेगा, तो वेबसाइट पे यही लोगो निकल के आया था। अवार्ड क्या, 5 रुपए दिए थे आपने? जप्पी, नहीं, कुछ आई थिंक वो क्राउड सोर्सिंग वाला कुछ मॉडल है। चलो, पर मुझे लगा कि डिपेक्ट कर रहा है जो हम करते हैं, तो इसीलिए ये बना लिए। जो अभी मैंने आपके पिच से समझा, मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट बिजनेस है, तो आप टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट पे कैसे आ गए? मैम, ये प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, ये भी एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है। मेरा मानना है कि दुनिया बदली जा सकती है टेक्नोलॉजी से, तो चश्मा ना ऐसे खरीद के नहीं बेचा जा सकता। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये स्केल नहीं हो पाया, क्योंकि चश्मे के अंदर पावर होती है दोनों लेंस की, और उसको फिट करना पड़ता है ऑर्डर आने के बाद। तो चश्मा तो हम बाहर से लेते हैं, पर लेंस हम अपने एक मीटिंग रूम के अंदर, हमने एक मशीन ली हुई है छोटी सी, और 2-3 लोग लगाए हुए हैं, वो चश्मे में लेंस लगाते हैं और हम फिर उसको कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देते हैं। पर इसमें काफी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ऑनलाइन ऑर्डर लाइन। तो रिटेल का बिजनेस है ना ये? आपका कोई रिटेल का एक्सपीरियंस तो है नहीं? नहीं। तो आपको कैसे लगता है कि आप इसमें सक्सेस करेंगे? इस कैटेगरी में बहुत मार्जिन है और बहुत पैसा है, और लोग कोई बंद नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई इंटरनेट पे चश्मा क्यों खरीदेगा? क्योंकि पावर भी मेजर करनी होती है, सेटिंग भी करके देखनी होती है, तो वो तो कोई नॉर्मल दुकान पे जाएगा ना, आपके पास क्यों आएगा? सर, अभी हम पावर तो नहीं चेक करते, अभी हम ऑनलाइन लोगों को बोलते हैं तो अपनी पावर, मेरी पावर पता होनी चाहिए पहले से। हाँ, अभी हमारा मॉडल ऐसा ही है, पर फ्यूचर में जाके हमें आई टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई टेस्ट के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पर हमें भी थोड़ा सा लग नहीं रहा था कि ऑनलाइन लोग चश्मा खरीदेंगे, पर अभी हम देख रहे हैं कि हमें पूरे इंडिया से ऑर्डर आ रहे हैं। क्या सेल है आपकी? अभी सर हमारी सेल है करीबन 30 लाख रुपए महीने की। 30 लाख रुपए महीने की मतलब 3.5 करोड़ हो गए। हाँ, तो आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे कैसे पहुंच गए भाई? एक्चुअली मैं कोई MBA नहीं हूँ, मुझे नहीं आता ये वैल्यूएशन वगैरह। सही बात, बिना चश्मे के मुझे साफ दिख रहा है, आपको चश्मे के साथ साफ नहीं दिख रहा वैल्यूएशन के मामले में। पीयूष, आप 75% अपना बिजनेस का दोगे? मैं देखिए, आप बड़े होनहार हो, आपको चाहिए इन्वेंशन करना,
आप 25% रखो, आप रोज इन्वेंशन बिजनेस हम चलाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या करना है, आप वही दिशा में लगे रहिए, आइडियाज हमारे होंगे, काम आप करोगे। देखो मैं ना यंग एंटरप्रेन्योर में बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप में वो दम है, मुझे लगता है आप में वो पैशन है, तो मैं 1 करोड़ आपको देने को तैयार हूँ। कितने परसेंट के लिए? बट मेरे को कम से कम देखो 50 से नीचे मैं नहीं जाता। पहले मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी, मुझे आपके इंडस्ट्री और हेल्थ के में बहुत सिमिलैरिटीज लगती है और मैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत मदद कर सकती हूँ। बट लाइक ये सब शार्क्स ने कहा, 1 crore for 1% बहुत ज्यादा है, 100 crore for 3.5 crore ऑफ सेल्स। तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 1 crore लेकिन 20% इक्विटी के। लूट रहे आपको, लूट रहे। देखो मेरा चेक रेडी है। 18% 15% ये नहीं आता। 14 मुझे आता है, इनको भी आता है। 12 काला मुझे 10 अरे हेलो अश्विनी सर, अश्विनी सर आप सुनी नहीं ना किसी की। 6 5 हो गए, 2 अरे भाई पीयूष, अरे तो इसको क्या आता है, मुझे आता है, ब्रांडिंग मुझे आता है। मैं जानना चाहूंगा आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप खुद बहुत सक्षम इंसान है, मेरे को नहीं लगता कि आपको हमारे पैसे की जरूरत है। एक जापान में है एक इंसान मासासान, वो आपकी मदद कर सकते हैं। पीयूष ये लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2010 है, हम सब मदद करने के लायक नहीं है भाई, हम खुद की मदद करते हैं। अमन सर आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे मुझे भी पूछो। देखो सुनो सुनो, अरे अमन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी पहली नौकरी लगी है, वो क्या मदद। देखो देखो देखो, मेरे को ना टेक्नोलॉजी बिजनेस समझ आता है, ठीक है। मेरी और आपकी स्टोरी ना थोड़ा रिलेटेबल है, मैं बताता हूँ कैसे। आज से कुछ 5 साल पहले मैं भी ऐसे ही खड़ा था इन्वेस्टर्स के सामने, मैं बोल रहा था मुझे पैसे दो, मुझे भी ऐसे ही अश्लील जैसे लोगों ने अश्लील किया, जलील किया, बट मैं हारा। मत सुनो इनका, मैं हारा नहीं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ बैठोगे जहाँ मैं बैठा आज से 5 साल बाद, बट आपको उसके लिए मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। सर मैं वहां नहीं बैठना चाहता। ये बात नोट करी जाए। पीयूष सर वो मेरा गोल नहीं। पीयूष ये आपके साथ मेंटल गेम्स खेल रहे हैं। 50% क्या होता है? पीयूष 10% इक्विटी। मैम मेरे पास जो भी मार्केट से मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं है। 10 क्रॉस इज अ ग्रेट वैल्यूएशन पीयूष। पीयूष मेरा ऑफर अभी पेंडिंग है। देखो मेरा ये ऑफर नॉन नेगोशिएबल है, अगर आप हाँ करते हो तो मैं हिंदू वर्मा में आऊंगा। नहीं सर मैं 50% इक्विटी नहीं देना। तो आप कितने में क्लोज? 5% नो नो 10% नॉन नेगोशिएबल। 5% डील डन। थैंक यू अमन सर। आपने कड़के से पैसा कैसे ले लिया 2010 में, इसके बाद 2 फूटी कौड़ी नहीं। अरे ये बक बक करते रहेंगे, आप और मैं दुनिया बदल देंगे, दुनिया बदलेंगे हम। वन फॉर द कैंप। सर मैं आपको एक चीज गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आज से 10 साल बाद, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ये होता है बंदा, बंदे में है तो। बट क्या आप असली में ले लोगे? प्लीज पैसे थोड़ा सा। वेल डन पीयूष, सुपर, मजा आ गया। सही था पिच? मैंने जब शुरू किया था ना मेरा लोगो यही था और ना मेरा कोई स्टोर था। हम जैसे यहाँ पे बिजनेसेस को कभी कभी इवैल्यूएट करते हैं लोगों पे, हमारा ये लोगो था भाई, मैंने इसी में पैसा रेज किया था। देखो बात तो ठीक है, आप ज्ञान यहाँ से देंगे या यहाँ से ले।